हेलो स्टूडेंट्स, आज आम एक्सरसाइज 9F रो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करियो। क्वेश्चन नंबर 3 रो फर्स्ट बिट नबा इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स माइनस 1 डीएक्स। ये कैसे सॉल्व करियो? ये टिके डिफरेंट लेट हम दे लिखिया। लेट लिखिया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल लिखिया ए एक्स प्लस बी लिखिया। कौन पे लिखिया? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देख ला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थे ए एक्स प्लस बी लिखियो ला। एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इन लिखता हूँ। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज तो लिखियो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आईटा हम ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एम। ठीक है, तो ये कैंसल हो तो दैट इम्प्लाइज के 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू हम ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट। एबे एक्सप्रेशन के तबले जीरो जो 1 पके देले लिखता पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 एन पट के ले एपट के तबो 4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू एडा 1 पके ले इपर एडा जीरो है जो ऐसे पट 1 पके ले सी इंटू 2 हो तो 4 माइनस 3 6 6 इज इक्वल टू 2 सी हो तो सी इज इक्वल के तब 3 अब सी 3 बाहर गेल है ना। अब बाकी ए भी बाहर बन है ना, ए भी बाहर के पुट कर पा रहे हैं तो कौन कर हम कोफिशिएंट मैच करे वाला तो लिखे आई थी 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू होगा बेटा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस हम तो लिखे ना तो लिखे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाखु आने एक्स स्क्वायर पाखु आने कौन हम ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर राइट। तो आप लिखिया प्लस ए एक्स पाखु आने तो ये माइनस ए प्लस बी है ना इंटू एक्स एम दे माइनस ए अच्छे बी अच्छे आउ एक टर्म नहीं आउ रहा शेष कौन कन्स्टाट टर्म रहा के माइनस बी प्लस सी है ना कत टर्म थी टोटाल दुईटा छटा छटा लिखते ठीक अच्छे तो आप लिखिया मैचिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड्स कौन जान लें ना ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी कह रहा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर संगे के चार अच्छे तो सी तीन तो ए प्लस तीन सी जगह कौन लिखिद तीन लिखिद चार तो ए जोड़ के आसला वन ए वन जानदे आउ कौन लिखिया माइनस ए प्लस बी भी जानचे माइनस ए प्लस बी जो के एक्स कोफिशिएंट है कितने माइनस वन अल्सो माइनस मुझे लिखुचे माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन नहीं एक्स कोफिशिएंट है तो ए आम जानचे वन बी जाना नहीं इक्वल टू माइनस वन तो बी जो कहते हैं जीरो बी जीरो भी आसपे नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट आम जानदे कौन आम जानदे ये मुझे लिखिदे देख ये लिखिदेवि ए इज इक्वल टू आसला वन बी इज इक्वल टू आसला जीरो सी इज इक्वल टू आसला थ्री मुझे लिखेदेवि तर नेक्स्ट कौन लिखे आम ना यूँ लिखिद ए बी वैल्यू पुट कर आम कौन करें लिखी ना लिख हेन्स हेन्स लिखा ना हेन्स कौन ना एम लिख 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस बी ए कहते वन एक्स वन एक्स तब ना एक्स प्लस बी कहते जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन है तापर ये ठीक कितना कर दो एक्स है ना प्लस सी बाय सी कितने सी होते थ्री थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन है ना ये ठीक है जना बोले जी चेक करिए ठीक है सपोज है ना कि हम चेक करो अरे चेस्ट अब सॉल्व कर दो देखो ऐसी वो सही इतनी कैसी बात है ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स इंटू एक्स माइनस वन है ना ये लिखा कौन एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन है ना। तो एक्स स्क्वायर तो फोर एक्स स्क्वायर आस माइनस एक्स आस प्लस थ्री आस ठीक अच्छे ना ठीक अच्छे ये जस्ट खेल टाइम थी तुम पाखे एक्जाम तुम चेक कर पार ठीक अच्छे ना भूल बड़े बड़े भूल जाए ना तो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन लिखे ये लिखे देर फोर लिखा इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटूड के तब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स एम करता हूँ। तो कैसे सॉल्व हम ये कैसे सॉल्व हम ये क्वाड्रेटिक ऊपर लिनियर डेरिवेटिव ऐसे आज टू एक्स तरह डेरिवेटिव तो वन बाय टू लिख दो ऊपर टू एक्स लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है प्लस थ्री बाहर चुनाव वन डिवाइड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स राइट। तो लेट नीज बाय यू इज इक्वल टू कहते एक्स स्क्वायर प्लस वन तो डी बाय डी एक्स कहते हो डी बाय डी एक्स हम टू एक्स तो डी एक्स कहते हो डी यू डिवाइडेड बाय टू एक्स राइट। तो कहते हैं वन बाय टू टू एक्स यू डी यू डिवाइडेड बाय टू एक्स एटा थ्री लॉन एक्स माइनस वन तो टू एक्स स्क्वायर कैंसल वन बाय टू लॉन यू प्लस थ्री लॉन एक्स माइनस वन प्लस सी तो कहते हैं वन बाय टू लॉन यू जगह कहते लिखते हो यू जगह लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस थ्री लॉन एक्स माइनस वन प्लस लिखते हो बुझे ना। तो इजी है ये तो डिफरेंट क्वेश्चन थे तो आई थिंक बुझा जाइ डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कौन ना इंटीग्रेशन ऑफ देखो इंटीग्रेशन ऑफ मुझे लिख दूसरे क्वेश्चन ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ सपोज फाइव एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स ये भी सेम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अच्छे लेट लिखिए लेट फाइव एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल कौन लिख ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एमती लिखित ठीक है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट कौन कर दैट इम्प्लाइज फाइव एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल के एलसीएम बाहर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन तो ये मल्टीप्लाई हम ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन मल्टीप्लाय हम प्लस सी इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एम तो कैंसल कैंसल दैट इम्प्लाइज के फाइव एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन नहीं प्लस सी इंटू के एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू सॉरी ठीक अच्छे ठीक है बुझे सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू ठीक है कैंसल किया। तब नेक्स्ट कौन कोएफिशिएंट मैच करे और यहीटा को प्रथम इवैल्यूएट करदे ठीक है ये इवैल्यूएट करदे तापर मैच करदे तो लिखिद पुटिंग के पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लिखद पुटिंग इट लिख दो ना पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते माइनस वन पुट करते माइनस फाइव ये जीरो हो सी इंटू के एक्स स्क्वायर बोले वन माइनस वन प्लस टू आउ गए प्लस टू है तो माइनस फाइव इज के फाइव सी तो सी इज इक्वल टू माइनस वन है तो सी इज के माइनस वन पड़े लिखीद सैट है कोएफिशिएंट मैच करने कौन कर फाइव एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस टू सी एम कर दो तो फाइव एक्स इज के एक्स स्क्वायर कमन कर दो एक्स स्क्वायर कौन अच्छे ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आक्स कौन अच्छे आ गए अच्छे ए प्लस बी माइनस टू सी होल इंटू एक्स इला कन्स्टाट रही है कि बी प्लस टू सी बी प्लस टू सी ये कन्स्टाट नहीं ठीक टोटल कितना टर्म है कि तीन दुई पाँच सात कत टर्म थी दुईटा दुटा चार्टा पाँच सात ठीक अच्छे है तो नेक्स्ट कौन करें लिखिया मैचिंग द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ साइड ए प्लस सी इज इक्वल देख ए प्लस सी मैंने कौन एक्स स्क्वायर रो कोएफिशिएंट एपट साइड एक्स स्क्वायर ना मैंने कौन जीरो एक्स स्क्वायर अच्छे तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो तो जीरो लिखिद तो सी के माइनस वन आस ए सी जगह माइनस वन इक्वल जीरो तो ए इक्वल के वन है तो लिखिद ए इज इक्वल टू वन है आ गोटे कोएफिशिएंट कौन करा नहीं जा प्लस बी माइनस टू सी इज इक्वल एक्स कोएफिशिएंट एपटे के पाँच पाँच लिखिद तो ए जगह के वन आसला बी जगह के बी जाना नहीं आ सी के माइनस वन आस प्लस टू है सी माइनस वन तो ठीक है तो बी प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव तो बी इज इक्वल के टू बी इज इक्वल टू टू लिखिद बी इज इक्वल टू टू
बुझला केमती सॉल्व करियो राइट तापर देख तापर हो ए बी सी मिल गया तापर तुम जस्ट लिखो अभी कौन अभी इंटीग्रेट करियो लिखो 5x डिवाइडेड बाय तो हेंस लिखो देयरफॉर हेंस 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इनटू x प्लस 1 नहीं इज इक्वल टू के तब ax प्लस b थिला पर ए हो छ x 1 तो ax प्लस b माने के तो प्लस 2 डिवाइडेड बाय के तब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और प्लस x प्लस c बाय c के तस माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 नहीं तो देयरफॉर इंटीग्रेशन लिखो इंटीग्रेशन 5x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इनटू के तो x प्लस 1 dx is equal to the integration of x plus 2 divided by x square minus 2x plus 2 dx plus integration of minus 1 divided by x plus 1 dx and got the one okay take his ignite check area pain just take verify got the verify got those get the x plus 2 into x plus 1 how was it up there plus it again the minus 1 is one minus 1 into x square minus 2x plus 2 एमते हो तो देखिए तो आटी के x square plus x plus 2 x plus 2 minus x square minus 2 plus 2x minus 2 तो कितना है 2 2 cancel 2x 2x 4x हो चुके 5x हो चुके ठीक है चाहे x हो चुके ठीक है चल तो next देखते हैं तो जस्ट अब इंटीग्रेट कर आया था किन में इंटीग्रेट कर रहा सेम ये लेकिन क्वाड्रेटिक अच्छे ऊपर लीनियर अच्छे डेरिवेटिव आ डेरिवेटिव कहते 2x minus 2s वो तो ऊपर 2x minus 2 हो बाहर है अच्छा तो कौन कर दिया ना 2 मल्टीप्लाई कर दबा ले 2x माइनस 2 1 बाई 2 लिख दबा तो 1 बाई 2 लिख दे 2x प्लस 4 ही जीवा डिवाइडेड बाय कितने x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx ही जीवा ना अब प्लस इधर माइनस 1 बाहर जीवा माइनस 1 लिख दिया था क्या ना इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय कितने x प्लस 1 dx राइट तो अरे डेरिवेटिव कितने 2x माइनस 2 तो पर 2x माइनस 2 दर का 1 बाई 2 लिखो 2x माइनस 2 प्लस 6 लिख दो डिवाइडेड बाय कितना x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx इट अलोन x प्लस 1 ठीक है जी तब पर कौन करियो 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx और माइनस लॉन x प्लस 1 जेंट्स इट एकदम क्या बजाएं चल लेट नीचे वाला लेट u इज इक्वल टू x square minus 2x plus 2 तो du by dx के तब du by dx अब 2x minus 2 तो dx के तब du divided by 2x minus 2 right तो के तला 1 by 2 2x minus 2 divided by x square minus 2x plus 2 और du divided by 2x minus 2 cancel तो के तला half इड़े भी सिम थियो 6 बाहर चुवा 6 बाहर कर दले के तेजो 3 जो 3 भेजो इंटीग्रेशन ऑफ बेटा के तो परफेक्ट स्क्वायर कर दो बेटा x रो होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू x इनटू 1 प्लस 1 रो स्क्वायर और माइनस 1 रो स्क्वायर और प्लस 2 हम लिख दो ना और माइनस ln x प्लस 1 ठीक है सर बचे हम थे हां ठीक है चलो कैंसिल कर ले बेटा 1 बाय 2 बेटा इट इट भूल गया इट u लिखिया ना इट u लिख दो ना तो कहता है ला इट ln सॉरी ला तुम्हारे लॉन यू इट हम लॉन यू प्लस 3 इंटीग्रेशन इटा के तब एक्स माइनस 1 रो होल स्क्वायर इज माइनस 1 प्लस 1 एल प्लस 1 हो ना ठीक है जी अब डी एक्स टू तो ठीक है ना तब रेड हो माइनस लॉन एक्स प्लस 1 ठीक है नेक्स्ट लास्ट लाइन रहेगा 1 बाय 2 अब लॉन जाकर कौन लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 है ना प्लस 3 इधर का फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले एच 1 रो स्क्वायर है ना ए स्क्वायर ना 1 रो स्क्वायर टैन इनवर्स रो फॉर्मूला है ना इधर टैन इन 1 बाय ए हो खाल द टैन है 1 ए भी 1 एच टैन इनवर्स एक्स माइनस 1 इट है ना माइनस लॉन एक्स प्लस 1 प्लस एम के डी आंसर है बुझे ना बिट 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1 dx तो लिखिया इज इक्वल टू कितने लिखे था इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड x क्यूब माने a क्यूब माइनस b क्यूब बोले a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एम के तो आप लिखो लेट
लेट 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिखियो a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी लिखियो अपन है ना डिकोडेड ठीक ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन लिखियो ना तब नेक्स्ट लिखियो कौन नेक्स्ट लिखियो 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हम ए एलसीएम नब एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो कहते हम ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 तो 3 डिवाइड कैंसिल हो जाए तो कौन लिख दो कैंसिल 3 इज इक्वल टू लिखियो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 राइट तब लिखो पुटिंग एक्स इज लुक एट 1 इट इज 0 बट है ना तो 1 पुट करले 3 हबो एपटे 3a हबो है ना तो a इज इक्वल टू 1 फिर लिख दियो a इज इक्वल टू 1 एस ला तब कोएफिशिएंट मैच करियो 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी एम दिया जाए तो 3 कॉमन कौन एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स रे कौन अच्छी एक्स रे अच्छी ए माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर ए सॉरी एक्स और कॉन्स्टेंट रहा ए माइनस सी नहीं ये दीदा तो लिखे हम कौन ए प्लस बी लिख पा रहे ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो नहीं ए प्लस बी जीरो कहीं इपड़े एक्स स्क्वायर नहीं इपड़े जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स अच्छे प्लस थ्री अच्छे तो ए तो 1 प्लस बी इज के तेज जीरो तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 है ना तो बी इज इक्वल टू माइनस 1 लिख दिया ना आ गोटे सी दरकार सी कौट भी नहीं एठू नहीं लब ए माइनस सी इज इक्वल के 3 कन्स्टेंट एपटर कन्स्टेंट सबुट कन्स्टेंट ए हूँ 1 माइनस सी इज इक्वल 3 तो माइनस सी इज इक्वल के 2 तो सी इज इक्वल टू माइनस 2 तो लिख दिया सी इज इक्वल टू माइनस 2 है ना राइट ठीक है बस ना तो एमती करिया है ना मुझे लिखे दूसरी तो चेक एट पूरा लिख दूँ छी तुम करियो बेटा बुझी गेला ना एती लिख दे तब रिप्लेस करियो हम तो डी चेक कर दो ठीक है जे ना भूल छी जस्ट किम चेक करिया तो वैल्यू पुट करके लिख दो ए जगह के तेस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस बी के तेस माइनस 1 तो माइनस एक्स सी के तेस माइनस 2 तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर 3 ऐसी आ रही छी ऐसी वो कम देखिया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इट हम माइनस एक्स माइनस 2 तो माइनस कॉमन काट दे ना माइनस लिख के एक्स प्लस 2 लिख देंगे एक्स माइनस 1 लिख दे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस इटा के तब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 देखा किसी तरह डिनोमिनेटर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स माइनस 2 एक्स और प्लस 2 एम दस ल तो एक्स स्क्वायर कैंसल एक्स एक्स टू एक्स कैंसल 3 आस ठीक है ना तो नेक्स्ट केमती कर तो नेक्स्ट जस्ट इंटीग्रेट करियो हमें ओके तो इटा डिलीट कर दो तो लिखे हेन्स कौन लिखे हेन्स हम कौन जान ले हेन्स हम जान ले 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल के ए जगह लिखियो 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी जगह के लिखियो माइनस एक्स माइनस 2 ना माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट भी दे पा रही प्लस कर दो ना अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये तो जान लेना तो नेक्स्ट कौन लिखिया ना इंटीग्रेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इज के तब इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस बाहर जीवो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स हम दे जीवो तो ये जान चल लॉन एक्स माइनस 1 प्लस एटी माइनस अच्छे यार डेरिवेटिव कितने 2x प्लस 1 तो ऊपर 2 हबार अच्छे इंटीग्रेशन 1 बाय 2 लिखे 2x प्लस 4 लिख दिया है ना डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स तो कितने इसलिए लॉन एक्स माइनस 1 माइनस हाफ डी 2x प्लस 1 पर तो 2x प्लस 1 प्लस 3 लिख दिया वाला डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स सब लोग इंटी करो तो लोग क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर डेरिवेटिव जनरेट करो तुम कितने तरह कहेंगे लॉन एक्स माइनस 1 माइनस हाफ इंटीग्रेशन हो गया तब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इन कर दो ना तो कहते हैं इसलिए लॉन एक्स माइनस 1
माइनस हाफ यहाँ मैं लिखुन यहाँ हम वन बम थी देख मुझे हम टू एक्स प्लस वन यहाँ हम यु यहाँ डीयु डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन एम कैनसल होगा माइनस हाफ ये थ्री बै टू लिखिदा थ्री बै टू इंटीग्रेशन मान परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू के वन बै टू प्लस वन बै टू र स्क्वायर माइनस वन बै टू र स्क्वायर आ प्लस वन एम थी तो आउ डी एक्स एट लिख दूसरे ठीक है ना ओके तो कैसे आसा माइनस लॉन एक्स माइनस वन माइनस हाफ लॉन यू माइनस थ्री बै टू इंटीग्रेशन ऑफ के वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन बै टू र स्क्वायर माइनस के वन बै फोर प्लस वन ओके ठीक है देखा तो कहते हैं लॉन एक्स माइनस वन माइनस हाफ लॉन यू जगह के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बोधे हाँ ठीक अच्छे माइनस ये लिख थ्री बै टू इंटीग्रेशन वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन बै टू रोल स्क्वायर यहाँ के थ्री बै फोर नहीं कि वन माइनस वन बै फोर तो थ्री बै फोर आस थ्री बै फोर डीएक्स तो प्लस आस हाँ प्लस आस तो लॉन के एक्स माइनस वन माइनस हाफ लॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस थ्री बै टू इंटीग्रेशन ये लिखे वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन बै टू स्क्वायर यहाँ प्लस रूट थ्री बै टू रोल स्क्वायर लिख दे डीएक्स तो कैसे आसला सर लास्ट लाइन लॉन एक्स माइनस वन माइनस हाफ लॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस थ्री बै टू ये टैन इनवर्स फॉर्मूला ना ये लिख थ्री बै टू ना वन बै ए मैंने वन बै रूट थ्री बै टू आउ टैन इनवर्स एक्स बै एक्स मैंने के एक्स प्लस वन बै टू डिवाइडेड बाय ए मैंने के रूट थ्री बै टू एम प्लस आ गोटे लाइन रहा गोटे लाइन में लिख दूसरे लॉन एक्स माइनस वन माइनस हाफ लॉन के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एटा थ्री बै टू एटा थ्री बै टू ना एटा थ्री बै टू एटा टू बै रूट थ्री हम टू टू कैनसल होगा ना कि थ्री बै टू एटा से टू बै रूट थ्री हम है तो टू टू कैनसल होगा रूट 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 थ्री खाली रहा माइनस रूट थ्री टैन इनवर्स एटा भी सेमती टू टू कटिज एलसीएम ऊपर आसो कहते टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू डिनोमिनेटर रूट थ्री बै टू है टू टू कटिज तो टू एक्स प्लस वन बै रूट थ्री प्लस एमती हाँ बुझेगा तो क्वेश्चन थर्ड बिट शेष होगा फोर्थ बिट कौन फोर्थ बिट भी अलमोस्ट सिमिलर डिलीट फोर्थ बिट कौन इम्प्रॉपर अच्छी बोध ओके फोर्थ बिट हो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय कितने एक्स क्यूब प्लस वन डीएक्स एटा को डिवाइड कर दो फर्स्ट एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन को कौन डिवाइड कर दो एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइड एक्स क्यूब कितने मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द फाइव एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर फाइव वन को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ तौर लिख दो तो माइनस माइनस बढ़ला कितना एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स क्यूब एटा कैनसल कैनसल है ना और रहा फोर एक्स प्लस वन एक्स क्यूब कितने मल्टीप्लाई करेंगे एक्स फोर दब प्लस एक्स तो एक्स फोर वन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एटी लिख है ना माइनस माइनस कैनसल होटा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन हम है तप एक्स क्यूब कितने मल्टीप्लाई कले एक्स क्यूब आस एक्स क्यूब वन मल्टीप्लाई कले प्लस वन तो वन एक्स क्यूब नहीं लिख एक्स क्यूब वन वन मल्टीप्लाई कले तो वन लिख दो अतर लिख दो वन तो माइनस माइनस कटेगा कटेगा अगर रहा थ्री एक्स तो कौन सीखले फाइनली हमें सीखले एक्स टू द पावर फोर क्वेश्चन ना दैट इम्प्लाइज लिखे वाला दैट इम्प्लाइज कौन सीखे एक्स टू द पावर फाइव प्लस एक्स टू द पावर फोर नहीं कि एक्स टू पावर थ्री टू एक्स टू द पावर थ्री प्लस एक्स टू द पावर टू प्लस फोर एक्स प्लस वन एम अच्छे तो फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय के एक्स क्यूब प्लस वन इज के क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस रिमाइंडर थ्री डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन एम बुझेगा ना ये कही लास्ट क्लास क्वेश्चन ये लिखिदेव आ रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर एमती कर बुझेगा नेक्स्ट कौन कर इंटीग्रेशन दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द फाइव प्लस एक्स टू द फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय कितने एक्स क्यूब प्लस वन डीएक्स इज के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन डीएक्स एमती हम है ना तो कुल के आसो मुझे लिखि दूसरे पाखे लिखि दूसरे के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वन जगह कौन एक्स प्लस वन
ए क्यू प्लस बी क्यू बोला, ए क्यू प्लस बी क्यू बोला, ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हम डीएक्स है। ए पार्ट को पार्सल फ्राक्शन करद एवं जस्ट एम क्वेश्चन यही क्वेश्चन तो सल्व करते आई थिंक मतलब प्रिवियस क्लास क्वेश्चन सेम आपको सल्व करदे जी आंसर आसला से टोटल आंसर हो जाए। ओके आपको पार्सल फ्राक्शन केमी कर लिख थ्री एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन इंटु एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल कौन लिख ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है तो जान के कर एक्स प्लस वन गोटे फैक्टर जीरो करहब माइनस वन नब बाकी कोफिशिएंट मैच करदेव आंसर पड़े आस है ना। नसले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सॉल्व करदे। थैंक यू।